देखिएगा, ये आपको एक्सरसाइज 7.1 का है ना, 12वीं क्लास का इंटीग्रेशन। ठीक है, जो हमें बनाना यह है कि साइन टू एस को निरीक्षण विधि द्वारा बनाना है। किस विधि द्वारा बनाना है? निरीक्षण। इसे बनाने से पहले हम आप इसको क्या कीजिएगा, साइन को कॉस, डेरिवेटिव आप लोग पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चुकी है ना बी। अब ये साइन को साइन का डिराइविड करते थे तो क्या होता था, कॉस होता था है ना। अगर तो हमें क्या करेंगे कि ये साइन आया हो, यानी तो कॉस क्या क्या होंगे, कॉस और 2x का 2x है ना, डिवाइड x, इसका जब हम डिराइविड करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन 2x आता था, बिल्कुल है ना। और 2 इधर इसका क्या हो जाता था भाई, ये गुणांक हो जाता था। इसलिए आप देखिएगा डी कॉस 2x है ना, ये 2 इधर गुणांक इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ रही है ना। और फिर इसका dx कोई दिक्कत है, इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर माइनस जो है ये माइनस इसके साथ इधर है ना, यहाँ माइनस लग जाएगा और ये साइन 2x का, क्योंकि हमें लाना क्या है साइन 2x, तो माइनस को भी नहीं देंगे। तो देखिए तो यानी डिराइविड जब किया आप किसका, कॉस का, तो इतना आ गया, तो हम यहाँ लिख सके अतः सूचना का अधिकार अतः बना एंटी है ना डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन किसका है ना, आप निकाले हो साइन 2x का, तो कितना आया इन आया जी माइनस कॉस 2x है ना बटा 2। आपका आंसर में देखिए कैसे देता होगा, माइनस 1/2 कॉस। ये हो गया दोस्त निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो नंबर यहाँ पर आप ध्यान सुनिए, ये साइन अब ये कॉस कैसे आया होगा, यानी साइन तो हम देखेंगे इसको डी साइन 3x बटा 3x, इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या आ जाता है, ये जाता है कॉस 3x इंटू 3 है ना, बिल्कुल यहाँ तक सही है। ये 3 इसमें आपको निरीक्षण विधि में ये सोच लेना है कि यहाँ कैसे ये आया होगा, ये कैसे आया होगा है ना, तो यानी यहाँ पहले साइन होगा तो हम डेरिवेट करेंगे तो ये कॉस आया होगा, बिल्कुल ये सोच लेनी है आपको। यहाँ तक आप इसको कीजिएगा डी साइन 3x है ना, बिल्कुल ये 3 क्या है गुणा में है ना, इधर आ गया तो भाग में, और ये बाटा डी एक्स, समझ में आ गया। यहाँ रह गया कॉस 3x, देखिए तो कॉस 3x, अब ये कॉस 3x बराबर क्या आ गया साइन 3x बटा 3, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा अतः है ना, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज किसका कॉस 3x का, आप क्या लाया ये लाया जी, इसके बराबर ये लाया ना जी, ये हो जाएगा साइन 3x का 3, साइन 3x बटा 3। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यदि आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा है ना, e^2x, तो e^2x जो होता है आप ड्राइविंग भी करोगे e^x तो e^x से होता होगा है ना, या आप इंटीग्रेशन में भी आपका e^ है ना e^x रहेगा तो e^x ही होता है। तो गाइस बिल्कुल ध्यान से इस बात को देखिएगा, डिराइविंग ये कैसे आया होगा, बिल्कुल है ना, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। टू को इधर लाएंगे बाई में करेंगे तो डी ई के पावर 2x बाई डी एक्स
का हो जाएगा टू, फिर इसको पोस्ट वन करेंगे इक्वल टू ई के पावर टू एक्स। तो अब इसका प्रति अवकलज होगा टू टू ए ई के पावर टू एक्स के बराबर है ई ई के पावर टू एक्स बाई टू। तो अतः प्रति अवकलज बराबर अगला क्वेश्चन है, इसका हम निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज निकालेंगे। तो सबसे पहले सोचेंगे कि क्या करें कि इतना आए, तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो हम होगा डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यू का निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो होगा डी एक्स। अब इसका प्रति अवकलज निकालेंगे, डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यू अपॉन डी ए एक्स, डी ए एक्स प्लस बी होगा। अब फिर इसका करेंगे हम डी डी का डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। अब एक्स के पर एन के रूप में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या एन एक्स होगा तो थ्री, और एक्स का वर्ग क्या है ए एक्स प्लस बी, और एन माइनस वन तो एन है थ्री, थ्री में से वन हटाएंगे तो टू इंटू ए एक्स, तो ए का ये होगा अचर पद है, तो एक्स का वन गुणा करेंगे कितना है, और ये अचर पद का शून्य हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे और ये वाला शून्य ए एक्स प्लस बी का होल क्यू अपॉन डी एक्स। अब इसका गुणा कर देंगे, ये होगा ए होगा डी बटा डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा थ्री ए इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये थ्री ए को इधर हम गुणा करके भाग में देंगे, तो ये डी बटा डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटा थ्री ए, फिर क्वेश्चन बंद कर देंगे और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया निरीक्षण विधि से इसका प्रति अवकलज, तो लिख देंगे इसलिए अतः अतः ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज बराबर प्रति अवकलज बराबर लिख देंगे, ये मान लिख देंगे इसका ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन थ्री ए, इसका हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये है, साइन टू एक्स माइनस फोर ई के पावर थ्री एक्स का निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज निकालना है। चलिए हम पहले साइन टू एक्स का अलग अलग करके निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे कि साइन टू एक्स आएगा, हम डिराइविट करते हैं कॉस का डी कॉस टू एक्स का, तो साइन एक्स आएगा डिराइविट करेंगे डी एक्स बराबर, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स का टू एक्स हो जाएगा, और ये इंटू टू का डिराइविट करेंगे टू एक्स का तो टू। अब टू को इधर हम गुणा में इधर भाग में देंगे और माइनस इसके साथ ही भेज देंगे, क्योंकि हमें प्लस साइन टू एक्स लाना है। तो ये डी बटा डी एक्स हो जाएगा और इंटू कॉस टू एक्स बटा टू, और माइनस हर में नहीं रहते इसलिए इसको अंश में लगा देंगे, बटा साइन टू एक्स हो जाएगा। अब साइन टू एक्स का प्रति अवकलज इतना हो गया, अब चलिए इतना कम निकालते हैं। तो ये ई के पावर एक्स होता है, इसका निकालेंगे फोर ई के पावर थ्री एक्स का डिराइविट करेंगे डी एक्स, तो होगा आपका होगा ये फोर का फोर हो जाएगा और ई एक्स का ई एक्स होगा, और ये एक्स एंड थ्री एक्स का डिराइविट करेंगे तो थ्री हो जाएगा। अब थ्री इधर गुणा में इधर भेज रहे हैं बॉर्डिंग फोन डी एक्स, और ये फोर थ्री एक्स बटा ये थ्री इधर भेज देंगे इसको अंदर पावर देंगे, ये फोर ई के पावर थ्री एक्स। अब इसका मान और इसका मान यहाँ यहाँ पुट कर देंगे, तो लिखेंगे आता साइन टू एक्स माइनस फोर ई के पावर थ्री एक्स का प्रति अवकलज बराबर और कलर्स।
यहाँ से लिखते हैं बराबर, तो साइन टू एक्स का प्रतियोग अलग है कॉस माइनस कॉस टू एक्स, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और फोर ई के पावर थ्री एक्स का है यहाँ पर फोर, फोर ई के पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री, तो माइनस है तो माइनस, और फोर ई के पावर थ्री एक्स है तो थ्री एक्स अपॉन थ्री, ये हो गया हमारा आंसर।